कभी किसी अनजान पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, खास तौर से एक महिला को, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। मैं आज आपको एक ऐसे ही बहसी दरिंदे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके लिए मौत की सजा भी बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। इसी वर्ष यानी 2024 जून की बात है, 8 और 10 जून को अलग-अलग ट्रेनों में महिला के शव के टुकड़े मिलने से रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया था। 8 जून को इंदौर में एक ट्रेन में एक महिला का बिना हाथ पैर वाला शव मिला था। इस शव की पहचान को लेकर तमाम भागदौड़ की जा रही थी, तभी अगले दिन करीब 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ट्रेन में एक महिला के कटे हुए दोनों हाथ और पैर मिले थे। जीआरपी ने जब इन दोनों टुकड़ों का मिलान किया और जांच करवाई तो ये टुकड़े एक ही महिला के थे। रेलवे पुलिस लगभग 1200 किलोमीटर में फैले इस टुकड़ों को तो मिलाने में कामयाब हो गई, लेकिन अब समस्या थी कि सबकी पहचान की और कातिल को खोजने की, लेकिन लगभग 10 की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने न केवल महिला की पहचान कर ली बल्कि अब कातिल भी उसकी गिरफ्त में था। कातिल था एक 60 वर्ष का एक आदमी। पहले तो यह मरियल सा था, दिखने में लगता रहा था बूढ़ा आदमी किसी भी हत्या से इनकार कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपने फार्मूले का इस्तेमाल किया तो वह सच उगलने लगा। कत्ल की कहानी सुनकर पुलिस समेत वहां मौजूद तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जीआरपी को 8 जून को रेलवे स्टेशन इंदौर के यार्ड में खड़ी महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन के एक कोच की सीट के नीचे एक काले रंग का ट्रॉली बैग मिला था। जब इस बैग को खोलकर देखा तो प्लास्टिक के बोरे में एक महिला का शव लिपटा मिला। सबके हाथ पैर नहीं थे। इस सबके कटे हुए हाथ पैर 10 जून को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर इंदौर से ऋषिकेश जाने वाली योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के दो कोच के बीच के कपलिंग में एक बोरे में बंधे हुए मिले। जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष ओरी ने उस उप अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने साइबर सेल जांच एवं समेत कई अधिकारियों की एक टीम बनाई। जांच में पुलिस को महिला के हाथ पैर पर एक टैटू मिला। टैटू पैटर्न से पता चला कि ऐसा टैटू अक्सर छाबुआ रतलाम के मेले में भाई बहन के नाम से गुदवाया जाता है, यानी कि पुलिस काफी मेहनत कर रही थी ताकि इस महिला की हत्या का पर्दाफाश हो। पुलिस ने टैटू के आधार पर गुजरात से लगे इलाके में मामले की छानबीन शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि रतलाम जिले के बिलपांक थाने में भंवरलाल डामर ने अपनी पत्नी की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब सबकी शिनाख्त तो हो गई थी, लेकिन हत्यारे को खोजना बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में अपने गुप्तचर फैलाए। तमाम जानकारियों के बाद शक्ति सुई ललितपुर जिले के कमलेश पटेल पर जाकर टिकी। कमलेश इन दिनों उज्जैन के थाना देवास गेट इलाके में रह रहा था। कमलेश की पत्नी मूक बधिर है। इस मामले में मूक बधिर विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र पुरोहित की मदद ली गई। जानकारी में पुलिस को कुछ पुख्ता सुराग मिले। अब पुलिस ने जब कमलेश से सख्ताई से पूछा की तो सारी कहानी सामने आ गई। कमलेश ने पुलिस को जो कहानी बताई वह वाकई हैरान करने वाली थी, जिसको सुनने वाला हर कोई दहशत में था। 6 जून की शाम को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर कमलेश को एक महिला अकेले गुमसुम बैठी मिली। कमलेश ने
अपनापन दिखाते हुए महिला से उसकी कहानी पूछी तो पता चला कि वह अपने पति से किसी बात पर गुस्सा होकर आई है और वह मथुरा जा रही है। कमलेश ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे भरोसा दिलाया और कहा कि अभी मथुरा की कोई ट्रेन नहीं है। वह उसे यह कहते हुए अपने घर ले गया कि घर पर खाना खाकर आते हैं, फिर वह उसे मथुरा की ट्रेन में बैठा देगा। देखिए उसकी चालाकी। महिला कमलेश की बात में आ गई और उसके घर चली गई। वहां दोनों ने खाना खाया। इस बीच कमलेश ने महिला के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। थकी हारी बेचारी महिला को नींद आ गई। 7 जून की सुबह जब बेसुध हो रही थी तो कमलेश की आंखों में वासना जाग उठी। अब कमलेश बेहोश महिला के साथ संबंध बनाने लगा। तभी महिला को होश आ गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कमलेश ने पास में ही पड़े लोहे के बड़े से नट से महिला के मुंह पर हमला किया। इस हमले में महिला बेहोश हो गई। अब उसने रस्सी से महिला का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। देखिए उस वैसे दरिंदे की कहानी कितनी भयानक थी। क्या सोच थी उसकी महिषे की। महिला की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कमलेश बाजार गया और वहां से छुरा खरीद कर लाया। छुरे से महिला के शरीर के 2 टुकड़े करे, एक बैग में प्लास्टिक की बोरियों में भर दिया और शरीर के टुकड़ों की 3 अलग अलग पैकिंग कर दी उसने। इनमें से एक को उसने 8 जून की सुबह आउटर पर रुकी इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन की एक सीट के नीचे रख दिया। अब वह फिर घर आया और शाम को घर में रखी एक और पैकिंग को लेकर फिर स्टेशन पहुंचा और इंदौर देहरादून ट्रेन के कोच की कपलिंग में रख दिया। यह सारी कहानी उसने पुलिस को बताई कि उसने कैसे महिला के साथ घिनौनी हरकत की, उसका कत्ल किया। उस बहसी दरिंदे की कत्ल करने के बाद भी उसने उस बेचारी मृत महिला के शरीर के 3 टुकड़े करे। उस बहसी दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां पर मौजूद जिनके सामने उसने यह बताई सारी कहानी घटना बताई, वह भी यह कहने को मजबूर हो गए कि इसके लिए तो मौत की सजा भी कम है और इसके साथ भी यही सलूक होना चाहिए जैसे ने उसने बेचारी महिला के साथ किया था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अगली कोई आपको ऐसी ही कहानी सुनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।